नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त है आपके पसंदीदा शो 9 बज गए का। खबरें वही जो दिन का एजेंडा तय करे। शाहीन बाग में सुबह सुबह हुए पुलिस एक्शन की तस्वीर तो हम आपको दिखाएंगे ही, साथ ही कोरोना से जुड़ी तमाम खबरें भी होंगी। आपको बताएंगे कि लॉकडाउन के दूसरे दिन शहर शहर क्या हाल है। हम आपको उन लोगों का हाल भी बताएंगे जो ट्रेन बस बंद होने से मुसीबत में फंस गए हैं। साथ ही हम आपको कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी दिखाएंगे, शहर और शूटिंग बंद होने के बाद फिल्मी सितारे कैसे वक्त बिता रहे हैं। सबसे पहले आपको कोरोना अपडेट दे दे। कोरोना लॉकडाउन की वजह से दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को पुलिस ने खत्म करा दिया है। कुल 9 लोग हिरासत में लिए गए हैं। आपको हम बता दें कि ये प्रदर्शन महीनों से चला आ रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे। कुछ दिनों पहले आपको हम बता दें कि दिल्ली में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के अलावा 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। पंजाब के बाद महाराष्ट्र चंडीगढ़ में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में भी कर्फ्यू लगाया गया है। देश भर में कोरोना से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस बीमारी के 500 मामले सामने आ चुके हैं। आज मध्य रात्रि से तमाम घरेलू उड़ानों पर ब्रेक लग जाएगा। इससे पहले रेलवे की सेवा भी बंद हो चुकी है। तमाम राज्यों में बस सेवा पर भी ब्रेक लग चुका है। और अब शाहीन बाग की करते हैं। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ करीब 100 दिन से चल रहे प्रदर्शन पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। बार बार की अपील के बावजूद महिलाएं शाहीन बाग में डटी हुई थी। आज सुबह पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए वहां पर लगे टेंट हटा दिए। 9 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। ये देखिए 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है। सीलमपुर में भी प्रदर्शन चल रहा था, शाहीन बाग में 100 दिनों से प्रदर्शन चल रहा था, जामिया के पास का भी इलाका आप देख सकते हैं, वहां पर जो भी मैट्स लगे थे, दरियां लगी थी, टेंट लगे थे, उन सभी को वहां से हटा दिया गया है। हेलो हेलो हेलो, दिल्ली गवर्नमेंट का और इंडियन गवर्नमेंट का सभी के नोटिफिकेशन के तहत जो आप यहां पर इकट्ठा होंगे तो ये इलीगल होगा। शाहीन बाग पर पुलिस का एक्शन। शाहीन बाग से पुलिस ने हटाए टेंट। जबरन प्रदर्शनकारियों को हटाया। कोरोना लॉकडाउन की वजह से एक्शन। इस गैदरिंग के कारण ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन का प्रतीक बने दिल्ली के शाहीन बाग में ये सुबह सुबह का पुलिसिया एक्शन है। सुबह होते ही बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान शाहीन बाग पहुंच गए और टेंट वगैरह हटाना शुरू कर दिया। यहां से पूरी जो प्रक्रिया है, टेंट हटाने की प्रक्रिया जो इस समय चल रही है, और यहां कोशिश यही की जानी चाहिए कि कोई हिंसा की कोई स्थिति ना हो। और आप देखिए ये पूरी तरह से इसको खाली करा दिया जा रहा है और इस रोड को भी क्लियर कराया जाएगा। मैं आगे आपको दृश्य दिखाता हूँ। इस पूरे रोड को, यानी जो सारी गलियां हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ये आप देखिए यहाँ पर सारी जो तमाम गलियां उनको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस जो है वो ना हो। ऊपर छतों पर भी पुलिस तैनात है, यानी हर एक जगह जो है वो पुलिस तैनात कर दी गई है और इस रोड को आज क्लियर कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से पुलिस का यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। शाहीन बाग में 15 दिसंबर से महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं। सरकार और पुलिस के तमाम अपील के बाद प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे, जबकि दिल्ली में लॉकडाउन लागू है और एक जगह 5 लोगों के बैठने पर पाबंदी है। कोरोना वायरस को देखते हुए जो डिफरेंट हम लोगों ने नोटिफिकेशन आए हैं, किसी तरह की कोई गैदरिंग नहीं, उसी के तहत उसको हटाया जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो पहले ऑर्डर है वो ऑर्डर अब तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो ये जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है और फिर आपको हम बाद में भी। फिलहाल पुलिस का एक्शन शांतिपूर्ण नजर आया। प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी कोई ज्यादा विरोध नजर नहीं आया। अब इनकी मर्जी है, जो चाहे कर सकते हैं भाई, इनका राज है। हम तो
यहाँ कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, जो ये देखिए महिलाओं को भी डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। देख लीजिए हमको पकड़ के ले जा रहा, मैं रोज आऊ, हाय लगेगा इन लोग को, इन लोग को हाय लगेगा। नहीं नहीं, संक्रमण फैलाता तो ऐसे में हमारे बच्चा दूध पीने वाला, हमको छोड़ दो। देश के कई हिस्सों में पहले से ही नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन खत्म हो चुके हैं। शाहीन बाग आखिरी प्रतीक के रूप में बचा था। चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। और आपको इस बीच ये भी बता दें कि ये एक्शन पुलिस को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि लगातार कोरोना पीड़ितों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है, इसलिए ये बहुत जरूरी था। आपको बता दें पूरे देश से अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम जानकारी लेंगे क्योंकि कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति है, कई राज्यों में लॉकडाउन हो गया है, कई जगह कर्फ्यू लग गए हैं और कई जगह जो राज्य सरकारें हैं वो कर्फ्यू के बारे में सोच रही है। आपको बता दें चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्येंद्र चौहान, साथ ही दिल्ली से शाहीन बाग से जुड़ गए हैं चिराग गोठी हमारे संवाददाता, इसके साथ ही मुंबई से दिवेश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जामिया से पुनीश शर्मा, और साथ ही जयपुर से शरद कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इन सब से हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं चिराग गोठी के पास शाहीन बाग। चिराग, लॉकडाउन की स्थिति, राज्य सरकार सोच रही है इस बीच कर्फ्यू लगा दिया जाए, लेकिन आज सुबह की तस्वीर शाहीन बाग की, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, क्या हालात है, जानकारी दे। देखिए मैं पहले विजुअली दिखाता हूँ किस तरह से, अब जो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें यहाँ बची हुई है जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर थे उनको उठाकर यहाँ पर रख दिया गया, या आइसक्रीम की एक रेडी थी जो यहाँ पर थी इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया गया। जहाँ मैं श्वेता खड़ा हूँ ये वो प्रोटेस्ट साइट थी, जो पूरी तरह से अब ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ ये प्रोटेस्ट साइट है क्योंकि पूरी तरह से इसको क्लियर कर दिया गया है। तकरीबन 7 बजे 125 कंपनियाँ यहाँ पहुँचती है सुबह सुबह जॉइंट सीपी के नेतृत्व में, और एकाएक ऑपरेशन शाहीन बाग क्लीन शुरू होता है और उसके बाद एक एक करके पूरे शाहीन बाग को क्लीन कर दिया जाता है। अब ये देखिए एक तस्वीर, ये देखिए वही रोड है जो सरिता विहार की तरफ जुड़ती है, जो अभी तक प्रोटेस्टर्स यहाँ पर बैठे थे और ऑब्वियसली यहाँ कुछ ऐसे लोग थे जिनको दिक्कतें हो रही थी, इसको अब खाली करा दिया गया है। तो ये अब जो एसेंशियल कम्युनिटी के व्हीकल्स हैं वो जा सकेंगे क्योंकि उनको होगी परमिशन होगी। देखिए गलियों में, देखिए एक तस्वीर ये है गलियों में किस तरह से पुलिस जो है वो अभी भी तैनात है, पूरी गलियों को पहले चौक किया गया, 25 कंपनियाँ तैनात की गई और उसके बाद ऑपरेशन शाहीन बाग क्लीन चलाया गया। धीरे धीरे करके पुलिस यहाँ पहुँची, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पहुँचे और सारे जो टेंट्स हैं उनको उखाड़ना शुरू किया गया, जो स्ट्रक्चर से वो तिरंगा झंडा था वो स्ट्रक्चर हटाया गया, तिरंगा झंडे को सम्मानपूर्वक जो है पुलिसकर्मियों ने रखा। तो ये हालात यहाँ पर फिलहाल बने और अब ये बिल्कुल यानी कि सभी प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटा दिया गया है इस वक्त। पुनीत, चिराग आपसे हम जानना चाहेंगे, लेकिन पुनीत के पास भी हम चलते हैं। पुनीत जामिया में इस वक्त मौजूद हैं। पुनीत ये बताएं कि जामिया में जो प्रदर्शन चल रहा था, क्या सभी प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया गया है, क्या स्थिति, क्या हालात? जब बिल्कुल आपको बता दूं सुबह सुबह 7 बजे के आसपास यहां पर फोर्स पहुंची और जो भी लोग यहां थे उनको हटा दिया गया, जो टेंट लगे हुए हैं उनको भी यहां से पूरी तरह उखाड़ लिया गया। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर इस तरीके से जो अभी भी इनके पिलर्स थे उनको हटाया जा रहा है, ये देखिए पूरे पिलर्स हैं इनको पूरी तरीके से हटाया गया और बाकायदा हैवी पुलिस फोर्स यहाँ पर जामिया में डिप्लॉय है। 144 धारा का हवाला दिया गया, कोरोना का हवाला दिया और उसके बाद पहले ही यहाँ से लोगों को हटाया गया था, लेकिन जो टेंट और उनके पूरे साजो सामान थे उनको आज फोर्स ने हटाया। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा जो सीलमपुर का इलाका जहां पर प्रोटेस्ट चला था, पुलिस ने वहां से भी प्रोटेस्ट को खत्म करवा दिया है और वहां से भी पूरी तरीके से प्रदर्शन स्थल को खाली करा लिया। इस वक्त जामिया में ड्रोन के जरिए हर पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है क्योंकि काफी ज्यादा हिंसा हुई थी यहाँ पर सीएए प्रोटेस्ट के दौरान, तो ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, हैवी फोर्स को डिप्लॉय किया गया और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे जामिया इलाके में फोर्स का कब्जा है, किसी भी तरीके की कोई हिंसा ना हो इसका खास तौर पर श्वेता ख्याल रखा जा रहा है। और दिसंबर से शुरू हुआ ये जो प्रोटेस्ट है, अब फिलहाल पुलिस ने इस पूरे प्रोटेस्ट स्थल को खाली करा लिया है, जो दोनों तरफ की सड़कें हैं अब उसको चालू करा दिया गया है। श्वेता बिल्कुल, पुनीत आएंगे आपके पास और जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच अब बात कर लेते हैं कर्फ्यू और लॉकडाउन की। पंजाब और महाराष्ट्र ने लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू लगाने का फैसला ले लिया है। ये फैसला तब लिया गया है जब लॉकडाउन को लेकर लोगों में गंभीरता नहीं दिखी। जहां लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीज खरीदने की छूट होती है, वहीं कर्फ्यू में आम लोगों को पूरी तरह बंद का सामना करना पड़ता है। 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन। महाराष्ट्र और पंजाब में कर्फ्यू। राजधानी दिल्ली में
कर्फ्यू की तैयारी। आज आधी रात से देश में सभी घरेलू उड़ानों पर रोक। कोरोना की जंग में लगभग सब कुछ बंद है, कहीं लॉकडाउन तो कहीं कर्फ्यू, तो कहीं कर्फ्यू की तैयारी। देश कोरोना से लंबी लड़ाई के लिए कमर कसे हुए है, लेकिन अगर लोग इस वक्त संयम से काम नहीं लेंगे और लापरवाही के साथ कोरोना वायरस की समस्या को हल्के में लेंगे, लॉकडाउन का सम्मान नहीं करेंगे, तो इसकी कीमत सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में दूसरों को भी भुगतनी पड़ेगी। ज्यादातर लोग लॉकडाउन के आदेशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन देश के हर राज्य में, हर शहर में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉकडाउन के पहले दिन सड़क पर उमड़ी भीड़ लापरवाही का सबूत है। सवाल उठता है कि क्या लॉकडाउन को लोग समझ नहीं पाए, या फिर जरूरी सेवा पर मिली छूट का गलत इस्तेमाल किया जाने लगा। वजह जो भी रही हो, लेकिन इसके बाद पंजाब और महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे लोगों से निपटने के लिए मजबूरन कर्फ्यू लगा दिया। चार पेक्षा अधिक किंवा पाच पेक्षा अधिक लोक एकत्र जमता कामा नयेत, आज आपण आंतर जिल्हा म्हणजे जिल्ह्या जिल्ह्याच्या सीमा सुद्धा सील करतो आहोत। वी आर पासिंग थ्रू व्हेरी डिफिकल्ट टाइम्स, द होल वर्ल्ड इज अंडर थ्रेट ऑफ दिस कोरोना व्हायरस एंड वी सी हियर हॉरिफिक फिगर्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन हैज हैपेंड इन चाइना एंड पर्हैप्स हैपनिंग देयर वी डोंट नो एंड बट येट इन द होल ऑफ यूरोप इज कवर्ड विद दिस, अमेरिका इज कवर्ड, ब्रिटेन इज कवर्ड, एवरीवन इज कवर्ड एंड इट सीम्स द होल ऑफ मिडल ईस्ट इज कवर्ड। वी वांट टू इन पंजाब prevent our Punjab from getting involved in this. I know it's a difficult task, but I'm appealing to you today. अब सवाल उठता है कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में अंतर क्या है और ये आम लोगों पर क्या और कैसे असर डालेगा। लॉकडाउन का मतलब जरूरी सेवाओं को छोड़कर दूसरी चीजों को बंद किया जाना है, लेकिन कर्फ्यू में सब कुछ बंद किया जाता है। लॉकडाउन में मेडिकल स्टोर, राशन की दुकानें, सब्जी और दूध की दुकानें खोली जाती हैं, लेकिन कर्फ्यू में किसी दुकान को खोलने की इजाजत नहीं होती, हालांकि पुलिस तय वक्त में कुछ छूट दे सकती है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान लेने के लिए घरों से बाहर निकलने की छूट होती है, लेकिन कर्फ्यू में घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती। लॉकडाउन के दौरान व्यक्ति हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन कर्फ्यू के दौरान कानून तोड़ने वाले तुरंत गिरफ्तार किए जा सकते हैं, कई बार देखते ही गोली मारने तक के आदेश होते हैं। यानी लॉकडाउन में आम लोगों को कुछ छूट मिलती है, वो घरों से बाहर निकलकर जरूरी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन कर्फ्यू के दौरान सब कुछ बंद हो जाता है। वहीं बाहर निकल सकते हैं जिन्हें प्रशासन से खास पास मुहैया कराया जाता है, और साथ ही अगर जरूरत पड़े कोई और एक्शन लेना पड़े इन टर्म्स ऑफ इसेंशियल एक्टिविटीज के अलावा बाकी सारी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो उसको भी टाइमली डिसीजन लिया जाए, और एडिशनल एरियाज में अगर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी पड़े तो उसके लिए तुरंत कार्य किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है अपने लेटर में कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इम्पोज की गई हैं उनको सख्ती से अमल किया जाए, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, एसपीज ऑफ पुलिस को, पुलिस कमिश्नर्स और म्यूनिसिपल कमिश्नर्स जो कंसर्न्ड अधिकारी हैं उनको सख्ती से इसको अमल करने के आदेश दिए जाएं। जब हम लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये साफ करना चाहते हैं कि इस दौरान बेहद जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य चीजों को बंद किया जाएगा, इससे संक्रमण के फैलने की दर को कम किया जा सकेगा। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान जो मामले पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें नियंत्रित तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। लॉकडाउन सीधे सीधे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उठाया गया कदम है। इसका मकसद लोगों को अलग कर कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकना है। लॉकडाउन के दौरान आम लोगों को कुछ सहूलियतें होती हैं, लेकिन जब इसका बेजा इस्तेमाल किया जाने लगे तो कर्फ्यू का ही रास्ता बचता है। जयपुर से शरद कुमार, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं, सीधे चलते हैं जयपुर शरद के पास। शरद, राजस्थान सबसे पहला ऐसा राज्य था जिसने लॉकडाउन वहां पर किया, लेकिन बाकी राज्यों में हमने देखा कि लोग लॉकडाउन शायद समझ नहीं पाए, इसलिए कर्फ्यू के रास्ते पर राज्य सरकारों को जाना पड़ा। राजस्थान में क्या स्थिति है?
बिल्कुल श्वेता, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आप लोग समझ जाइए वरना आज से मैं कर्फ्यू लगा दूंगा। लॉकडाउन आज किस तरह से इन्फोर्स किया जा रहा है यहाँ पर देखा जा सकता है। जो पुलिस वाले हैं जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, जो लोग आ रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इस तरह की कवायद पूरे राजस्थान में की जा रही है। सुबह से 5,000 से ज्यादा लोगों का चालान किया जा चुका है। श्वेता, सबसे बड़ी बात है कि 32 केसेज आ चुके हैं राजस्थान की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो ये 32 केसेस बहुत हैं। तो इस तरह से कोशिश की रही है राजस्थान सरकार की किसी तरह से संक्रमण नहीं फैले। और जो लोग यहां आ रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं, वो कहां जाना चाह रहे हैं, क्यों निकले हैं, आप ये बताइए आप कहां जाना चाह रहे हैं। सर मेडिसिन विभाग में, मेडिकल विभाग में। हाँ, इसलिए दवाइयों की सप्लाई है ना अपनी, तो दवाई की सप्लाई के लिए जा रहे हैं जी। इसी तरह से ये देखा जा सकता है कि ये जो लोग हैं चेक किया जा रहा है, हालांकि कोशिश कर रही है राजस्थान सरकार। ये देखिए इधर ये चालान भी काटा जा रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं जो यहां से निकले हैं वो जा रहे हैं उनसे कैसे मान ले जा रहे हैं। अरे कार्ड है भाई, हॉस्पिटल 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 उसके अंदर शॉप अपनी मोहल्ले जवाने कर कार्ड है क्या। समस्याएं आ रही है लोगों की, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि संक्रमण को रोकना जरूरी है, जिसकी वजह से एक कदम उठाया गया है। और यही जरूरी है कि कई जगह कर्फ्यू लागू करना पड़ा है। सत्येंद्र चौहान के पास चलते हैं चंडीगढ़। सत्येंद्र, पंजाब सरकार ने कर्फ्यू का रास्ता अपनाया, जाहिर सी बात है लोग नहीं समझ रहे हैं, पुलिस से उलझ रहे हैं इसी वजह से। देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कल पंजाब के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखी है, संख्या मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पैनिक नहीं करना चाहते, लेकिन पंजाब के हालात इस कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है और जो स्थिति है वो चिंता एवं तनावपूर्ण बनी हुई है। फिलहाल पंजाब पहला ऐसा राज्य है जहां पर कर्फ्यू लगाया गया था और आप देख सकते हैं यहां पर पूरी तरीके से नाकेबंदी की गई है। दूर दूर तक अगर कैमरे की नजर को ले जाते हैं तो आज कर्फ्यू के बाद यहां से कोई घरों से बाहर नहीं निकला है, अगर कोई निकल भी रहा है तो बाकायदा हर जगह पर नाकेबंदी करके उससे पूछा जा रहा है कहां जाना है, क्यों जाना है। कल लॉकडाउन किया गया था, परसों लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन जो है सक्सेस नहीं रहा, बहुत सारे लोग एकदम निकल आए। और इस संक्रमण से बचाव का आखिरकार कोई रास्ता है तो वह आइसोलेशन है कि लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग यहां पर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस कर्मी जो है उनसे पूछकर अगर उनके पास इमरजेंसी सर्विस से जुड़े हुआ कोई काम है तो उनके जाने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस को अभी भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है, लोगों को समझाना पड़ रहा है कि कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि कल से ही लगातार टेलीविजन चैनलों और तमाम माध्यमों से ये लोगों को बताया गया कि कर्फ्यू लगा हुआ है और ये कर्फ्यू पंजाब में भी लगा हुआ है, चंडीगढ़ में भी लगा हुआ है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जो बैरिकेड है ये पंजाब और चंडीगढ़ को, मोहाली और चंडीगढ़ को आपस में जोड़ता है, लेकिन बावजूद इसके अगर यहां से निकल जाना है तो लोगों को वहां समस्या होगी, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आज यहां पर नाकाबंदी की गई है और सिर्फ उन लोगों को जाने दिया जा रहा है जो अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर गंभीर बात यह है श्वेता कि जो आंकड़े आ रहे हैं पंजाब से और जो इस कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस है उनकी तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल, और यही वजह है कि राज्य सरकारों को इस तरह से एक्शन लेना पड़ रहा है। चलते हैं मुंबई दिवेश के पास। दिवेश, महाराष्ट्र सरकार पहले ही लॉकडाउन और उसके बाद कर्फ्यू का ऐलान वहां पर किया गया, क्योंकि हमने तस्वीरें भी वहां से देखी कि लोग पिकनिक की तरह, हॉलिडे की तरह लोग घरों से निकले और वहां पर छुट्टियां मनाते हुए बीच के पास नजर आए। श्वेता, आपको बता दें कि कर्फ्यू जारी किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो नंबर है, महाराष्ट्र का जो जो भी मतलब अभी तक आंकड़ा आ रहा है वो 97 पर पहुंच चुका है, 97, जिसे कि कहा जा रहा है कि अब तक देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रांत में केसेस हैं तो वो महाराष्ट्र में आए हैं। कल शाम ही अथॉरिटीज़ ने, महाराष्ट्र के जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने एक रिलीज़ के तहत ये बताया था कि 8 नए केसेस मिले हैं, जिसके तहत 97 केसेस अब महाराष्ट्र में हो चुके हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से कर्फ्यू और लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है, पर लोग भारी मात्रा में फिर भी बाहर आ रहे हैं। पुलिस किसी तरीके से हर चौराहे पे, हर चेक पोस्ट पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा रहा है जो कि एसेंशियल सर्विसेज के तहत उसकी उस लिस्ट में आते हैं, उन्हें ही जाने के लिए अलाउ किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से आईडी कार्ड चेक करने के बाद
पुलिस उन लोगों को अलाउ कर रही है जो एसेंशियल सर्विसेज में है, और जो लोग इस सर्विसेज में नहीं आ रहे हैं उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात है कि कर्फ्यू के बावजूद यहां पर इतनी सारी गाड़ियां दिख रही है, और शायद इसी वजह से राज्य सरकारों को इस तरह का एक्शन लेना पड़ रहा है कि कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई है, कई जगह कर्फ्यू लगाने पड़ गए हैं। पुणे के माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन फर्म ने कोविड-19 का टेस्ट किट तैयार किया है। आपको बता दें इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंजूरी दी है। एकदम स्वदेशी तकनीक से इस किट को सिर्फ 6 हफ्ते में तैयार किया गया है। एक किट 100 मरीज की जांच कर सकता है। हमारे सहयोगी पंकज खेलकर इस वक्त टेस्ट किट तैयार करने वाले टेक्नीशियन और किट के साथ मौजूद हैं। हम सीधे पंकज के पास चलेंगे। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे इस किट के बारे में। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं, अमेरिका लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे लोगों की मदद की जा सके। बताएं इस किट के बारे में। देखिए श्वेता, सबसे जरूरी अब जो कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट होने चाहिए, और उसके लिए टेस्ट के लिए जो किट्स की आवश्यकता थी वो बहुत कम थी शायद, और इसीलिए ये जो अलग अलग प्रावधान उठाए गए हैं, अलग अलग कदम उठाए गए। लेकिन अब जो पुणे की ये जो लैब है उसने जो किट बनाई है वो एक तय सीमा के भीतर ही बना ली है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको ICMR का अप्रूवल भी मिल गया है। मैं उसी जगह पर हूँ, उस सेंटर पर हूँ जहाँ पर ये किट बनाई जाती है। हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि इस किट के जो आपने काम करना शुरू किया, जो सुना है कि 6 हफ्ते से आप काम कर रहे थे, क्या कुछ खास है बताइए। बेसिकली ऐसा है कि ये जो किट है ये रियल टाइम PCR टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है। ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी मानी जाती है, फिर भी हमने 6 वीक्स के अंदर इसकी सारी जो टेक्निकल चीज़ें थी उसको समझ के, जान के, परख के ऐसी किट बनाई जो ICMR ने 100% अप्रूव कर दी है। ये किट 100% स्पेसिफिक, 100% सेंसिटिव है, और बाकी सारी किट्स के मुकाबले इसको ICMR ने प्रिफर किया है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे फॉरेन में भी किट्स है, अब्रॉड भी किट्स बनती है, लेकिन अब जो लॉकडाउन हो गया है तो आवाजाही पर असर हुआ है, उस कारण किट यहाँ पर पहुँच भी नहीं पा रही होगी, लेकिन जिस प्रकार से ये किट बनाई गई है तो कॉस्ट इफेक्टिव कितना है और कितना प्रोड्यूस बना, कितना मैन्युफैक्चर आप कर सकते हो देश भर में अगर अलग अलग अस्पताल को आपको पहुँचाना है तो? अगर इसको थोड़ा सा रफली देखा जाए तो ये किट की जो कीमत है वो फॉरेन के जो मंगाई जाने वाली किट है उनसे 1/4 के लगभग है, तो इतना इसमें हम लोग पैसा सेव करेंगे। दूसरी बात है ये पैसा अपने देश में रहने वाला है। तीसरी बात है आवाजाही के कारण आप अगर आज देखोगे तो फॉरेन से कार्गो सर्विसेज भी बहुत कम हो गई है, फॉरेन से किट आना लगभग मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में अभी इसका असर बहुत ज़्यादा हो गया है, वो लोग बाहर किट्स भेज नहीं रहे हैं, और इसलिए अभी हमारी जो किट है ये इंडिया के लिए इंडियन सोल्यूशन है, और ये किट बिल्कुल इंडियन पब्लिक के लिए। मास प्रोडक्शन कितना कर सकते हैं इसमें? हम लोग लगभग 1.5 लाख टेस्ट जो है वो पर वीक हम लोग दे सकते हैं। और पंकज, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है, और अपने दर्शकों को भी बता दिया अगर सिंपल वे में, इसको सिंप्लीफाइड वे में समझे कि एक किट से 100 लोगों का जांच कोरोना टेस्ट किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे डॉक्टर्स की तारीफ करनी चाहिए, इसमें टेक्नीशियंस की तारीफ करनी चाहिए। इस बीच कोरोना को रोकने के लिए आपको बता दें कि लॉकडाउन लगा है, कोशिश जिंदगी बचाने की है, लेकिन जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में कई लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इन्होंने हमें नोटिफिकेशन भेजी कि बस खाली कल का दिन है हमारे लिए कि हम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे लिए ना सीट्स अवेलेबल है, ना हम उतना एयर फेयर अफोर्ड कर सकते हैं कि हम लोग कहीं पे जाएं। हम लोग सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, सम आर फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर, सम फ्रॉम साउथ कश्मीर, सम आर फ्रॉम सेंट्रल कश्मीर। वी ऑल आर सफरिंग हियर, वी आर एट द एयरपोर्ट विद अवर लगेज, हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे। काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड हेल्प अस। Most of students from Kashmir, they booked the air tickets after 25, but now what happened, they are flying immediately that all the flights were cancelled. कोरोना लॉकडाउन के बाद बेंगलुरु में तमाम शिक्षण संस्थान बंद हो चुके हैं। हॉस्टल और मेस बंद होने से इन छात्रों को मजबूरी में अपने घर लौटना पड़ा है, लेकिन दिक्कत यह है कि अचानक सरकार ने ट्रेन सेवा भी बंद कर दी है। आज रात से घरेलू उड़ान भी बंद हो जाएंगे, यानी इनके पास आज का ही विकल्प है किसी तरह विमान से बाहर निकलने का, लेकिन विमान किराया या तो बहुत महंगा है या फिर टिकट उपलब्ध नहीं। ऐसे में ये छात्र जाएं तो कहां जाएं? इन्होंने हमें नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भेजी कि बस खाली कल का दिन है हमारे लिए कि हम ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे ना सीट्स अवेलेबल है, ना हम उतना एयर फेयर अफोर्ड कर सकते हैं कि हम लोग कहीं पे जाए। हम लोग सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, सम आर फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर, सम फ्रॉम साउथ कश्मीर, सम आर फ्रॉम सेंट्रल कश्मीर। वी ऑल आर सफरिंग हियर, वी आर एट द एयरपोर्ट विद अवर लगेज, हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे। काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड हेल्प अस। हम इंडियन गवर्नमेंट और कश्मीरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हेल्प अस, लेट अस गो अवर होम, लेट अस मीट अवर पेरेंट्स, बिकॉज इस एपिडेमिक में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे पेरेंट्स की है। वो लोग परेशान है वहाँ पे, हम लोग परेशान हैं यहाँ पे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त यहाँ हॉस्टल्स में रहना, ना ही ये हमारे लिए इस वक्त सेफ है। अगर अल्लाह ना करे हम में से किसी को कुछ हो गया, हमें पता नहीं हम कहाँ पे होंगे, हमें कोई केयर करेगा भी कि नहीं। प्लीज़ वी रिक्वेस्ट यू दैट हेल्प अस एंड गेट अस स्ट्रेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अब मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर देखिए, खचाखच भरा रहने वाला एयरपोर्ट लगभग वीरान पड़ा है। कुछ लोग अपने विमान का इंतजार कर रहे हैं, सरकार के हिदायत के बावजूद लोग किसी तरह अपने घर पहुंचना चाहते हैं। ट्रेनें बंद हैं, आज से घरेलू उड़ान सेवा भी बंद होने वाली है। तो इतनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे कि खाने के लिए भी बहुत दिक्कत है यहाँ पे, इतनी दिक्कत है ना खाने के लिए कि मैं कल सुबह से भूखा हूँ, मैंने आज ही कैंटीन से बिरयानी खाई थी। यहाँ इतनी दिक्कत है कुछ कहो मत, इसलिए दिक्कत झेलते हुए मैं अपने दिल्ली जाना चाहता हूँ। शादी के लिए आया हुआ था यहाँ पर, वो शादी हो गई कैंसिल यहाँ पे कोरोना की वजह से, तो इसलिए हम एयरपोर्ट पे आए हैं। एयरपोर्ट पे आके हमने टिकट वगैरह कराया, अब यहाँ से जल्दी जाना चाहते हैं, यहाँ से हमारी बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है यहाँ पर। लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स की ये भी एक तस्वीर है। ट्रेन सेवा बंद है, बसों के एक राज्य से दूसरे राज्यों में एंट्री पर भी रोक है, लिहाजा जिनके लिए सफर जरूरी है वो क्या करें। ऐसे में दिल्ली से बिहार जाने के लिए ये लोग मालगाड़ी पर सवार हो गए। ये तस्वीर फिरोजाबाद स्टेशन से मालगाड़ी के गुजरते वक्त ली गई है। अभी एक मालगाड़ी क्या नाम डाउन लाइन से क्या नाम है इटावा साइड गई है, जिसमें कुछ लोग गार्ड के डिब्बे में बैठे हुए थे, कुछ लोग उसके गार्ड से पहले जो क्या नाम खुली हुई बोगियाँ थी उनमें बैठे हुए थे, कुछ बोगियों में बैठे हुए थे, क्योंकि ये गाड़ी का जो बंद का आह्वान हुआ है कोरोना की वजह से, इससे यात्री बहुत परेशान है, तो जिनको जो साधन मिलना उसी से इधर उधर जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में आगरा को जोड़ने वाली यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीर देखिए, एक्सप्रेसवे पूरी तरह सूना पड़ा है। इसकी वजह है कोरोना लॉकडाउन। प्रशासन के मुताबिक लॉकडाउन के बावजूद लोग एक्सप्रेसवे से आवाजाही कर रहे थे, लिहाजा एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक्सप्रेसवे यूपी के 3 जिलों गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और आगरा को जोड़ता है। कोरोना के लिए तीनों जिलों को बेहद संवेदनशील माना गया है, लिहाजा इन्हें लॉकडाउन में शामिल किया गया है। कोरोना को रोकना है तो सड़कों को ब्लॉक करना जरूरी है, लेकिन लॉकडाउन से कई लोग वास्तव में मुसीबत में फंस रहे हैं। नोएडा की कंपनियों में काम करने वाले लोग जो बुलंदशहर, नरोरा जैसे पास के इलाकों से रोजाना आते थे, उन्हें लॉकडाउन की वजह से पैदल जाना पड़ रहा है। ये सारी भीड़ आप जो देख रहे हैं ये नोएडा से सीधे यहाँ ग्रेटर नोएडा और नरोरा यानी बुलंदशहर के लिए ये सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं। साधन कोई इनको नहीं मिल रहा है, कोरोना की वजह से अलग अलग जगहों पर सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ है, अब ये लोग यहाँ से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये बताइए आप लोग कहाँ के लिए जा रहे हैं? नरोरा के लिए। नरोरा ये कहाँ पड़ेगा? लेंसर तरफ। ये हम लोग नोएडा से करीब यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर पहुँचे हैं। यहाँ से बुलंदशहर कितना किलोमीटर है? 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर पैदल जाएंगे आप यहाँ से। संकट बड़ा है, उसे रोकने के उपाय लोगों को मुश्किल में डालेंगे, लेकिन इन मुश्किलों को देखकर बड़े संकट की अनदेखी नहीं की जा सकती है। वक्त की मांग है कि लोग अपने हिस्से का संघर्ष करें। कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, नोएडा आज तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। 9 बज गए के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। इस हिस्से में हम आपको दिखाते हैं 100 शहरों की 100 खबरें, वो सारी खबरें जरूरी होती हैं सीधे आपसे। सबसे पहले बुलेटिन में आपको हम दिखाएंगे 100 शहर की 100 खबरें, रफ्तार के साथ आपके शहर की हर खबर होगी। आपको दिखाएंगे लॉकडाउन के तहत किस शहर में क्या है हालात। 10 बजे आपको हम दिखाएंगे 10 मिनट में 50 खबरें, वो सारी बड़ी राजनीति खबरें जो तय करती हैं दिन भर का एजेंडा। 10:30 बजे आपको हम दिखाएंगे कोरोना पर हमारी खास पेशकश,
कृपया घरों से ना निकले। लेकिन सबसे पहले सौ खबर। कोरोना को हराना है तो घर पर रहिए। जी हां, इससे न सिर्फ आप खुद की मदद करेंगे बल्कि अपने आसपास रहने वाले लोगों और देश की भी मदद करेंगे। कोरोना संपर्क से फैलता है, समझिए इस बात को। अगर आप आपसी संपर्क कम कर देंगे तो कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। कोविड 19 नाम का खतरनाक कोरोना वायरस दुनिया में तबाही बरपा रहा है। अब तक लाइलाज कोरोना से देश भी कराह रहा है। मुंबई, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश समेत देश के 30 राज्य कोरोना की चपेट में हैं। कोरोना वायरस से बचने का फिलहाल सबसे बेहतर तरीका उससे दूरी है। ये तभी संभव है जब आप कोरोना पीड़ित किसी शख्स या कोरोना संक्रमित किसी वस्तु के संपर्क में ना आएं। और इसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त घर में बिताएं, ना कि ऐसे सफर से खुद और परिवार के लिए आप मुसीबत का सबब बने। कोरोना के खिलाफ जंग में पीएम मोदी ने जनता कर्फ्यू के जरिए देशवासियों का सहयोग मांगा था, जिस पर अमल भी हुआ। देश के वरिष्ठ सियासतदान से लेकर फिल्म जगत हो या उद्योगपति या फिर आम जनता, सभी ने अपनी निष्ठा प्रकट की। लेकिन कुछ लोग अभी भी स्थिति की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर राज्य सरकारें तरह तरह की पाबंदी लगा रही हैं। लॉकडाउन के जरिए कोरोना की राह रोकी जा रही है। लखनऊ पुलिस ने बाकायदा निर्देश जारी किया है, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। जरूरी सेवा देने वालों के लिए पास जारी किया जाएगा। दफ्तर में घुसने के बाद घर जाने के लिए ही बाहर निकले। एक मोटरसाइकिल पर दो लोग सफर ना करें। डीएल गाड़ी के कागजात के साथ विभागीय आईडी और एसेंशियल ड्यूटी पास भी साथ रखें। अनावश्यक रूप से घूमते पाए जाने पर गाड़ियां सीज की जा सकती हैं और केस दर्ज कर दोषी पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यकीन माने, वतन के लिए सच्चे अर्थों में देशभक्ति दिखाने का इस वक्त आपके पास मौका है और इस जिम्मेदारी को आप घर बैठकर निभा सकते हैं। जरा सोचे, जिस संकट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट बताया जा रहा है, उसमें आपसे सहयोग के तौर पर सिर्फ खुद की हिफाजत की गुजारिश ही तो की जा रही है। हम ये मान रहे हैं कि वक्त के मौजूदा रफ्तार से कदम ताल करते ठहराव आपसे दूर हो चला है, लेकिन इस वक्त घर में आपकी मौजूदगी कई रिश्तों को ताजा दम कर सकती है, जिन्हें अरसे से आपके वक्त की जरूरत थी। आलमारी में बंद पड़ी किताबों से धूल हट सकती है। योग और ध्यान से आप अपने शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं, जो आपकी दौड़ती भागती जीवन शैली बोझिल हो चली है। यकीन माने, कोरोना से जंग में आपके घर बैठने का मौका आया है, इससे वक्त जाया नहीं हो रहा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।